नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एटा कासगंज से, और आज एक और हमारा जियो क्लिनिक इंस्टॉल हुआ है डिस्ट्रिक्ट एटा के सराय रस्त में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर सिद्दीकी जी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि जियो ई मित्र पे जो सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकर डॉक्टर साहब को कैसा लगता है, क्या इस चीज़ से लोगों की मदद की जा सकती है? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ भाई, बिल्कुल मदद की जा सकती है। जिन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जी कानपुर आगरा दिल्ली, उनका टाइम जो है वो बचेगा काफ़ी इसमें, और कम से कम इलाज उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा। तो इस चीज़ में लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपने देखा ओपीडी के हर टाइप के पेशेंट को आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं, कंसल्ट करा सकते हैं, और कंपनी के जो डॉक्टर्स हैं हमारी कंपनी के पैनल पे, आपने देखा होगा काफ़ी जगह जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब उन लोगों को जो उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बाहर जाने की सोचते हैं कि चलो दिल्ली चलें, वहाँ दिखाएं यहाँ दिखाएं, तो उनका टाइम जो है बीच में लोगों को जाने जाने में ही काफ़ी तबीयत लोगों की बिगड़ जाती है, तो उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कम से कम में ही यहीं से ट्रीटमेंट मिल जाएगा बेहतर से बेहतर डॉक्टर। जैसा कि मैंने सुना है डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक काफ़ी पुराना है और काफ़ी फेमस भी है, आप लगभग मेरे पिताजी काम करते थे, करीब 40-45 साल हो गए उन्हें यहाँ पर काम करते करते इस सरायगत में, तो उनका नाम भी काफ़ी है। जी जी, काफी प्रसिद्ध हैं आप लोग, सिद्दीकी नाम से काफी प्रसिद्ध हैं, आसपास के जिले में सब जानते हैं डॉक्टर सिद्दीकी नाम काफी फेमस है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जियो की सुविधाओं को लेके, मतलब काफी अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है कि उम्मीद करते हैं कि लोग भी इस चीज को अपनाएं। टेलीमेडिसिन का भाई मॉडर्न टाइम है, तो टेलीमेडिसिन को यूं लोगों को अपनाना चाहिए। जी, जैसे कि आपने डॉक्टर आमिर सिद्दीकी के मुंह से, डॉक्टर साहब के मुंह से आपने सुना, मतलब किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो रूरल एरिया के डॉक्टर हैं, जो क्या उन लोगों को इस चीज़ से जुड़ना चाहिए? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर डॉक्टरों को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बैठे हैं। जी जी, और कोई भी नहीं बैठेगा क्योंकि सबको शहरों में भागने की आदत है। जी, तो इसलिए उनको ये अपनाना चाहिए टेलीमेडिसिन को। आपका इससे जुड़ने का मोटो क्या था, कारण क्या था जो आप जियो मित्र ई क्लिनिक से जुड़े थे? टेलीमेडिसिन से, जियो मित्र क्लिनिक से जुड़ने का यही कारण था कि लोगों को जो बाहर भागना पड़ता है और इधर उधर पैसा बर्बाद करना पड़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कम से कम लोगों को जो है कम पैसे में बेहतर इलाज मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, और मैं आपको एक बार डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी दिखा देता हूँ। ये क्लिनिक है और काफ़ी समय से है क्लिनिक इनका। ये पैनल लगा हुआ है, जियो का ये पैनल है डॉक्टर साहब के यहाँ लगा हुआ है, और आज ही इंस्टॉलेशन हुई है, और डॉक्टर साहब से सुना ही आपने कि काफ़ी बढ़िया व्यू है इनका।